हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और ये मेरा थाईलैंड का फर्स्ट व्लॉग है जिसमें फर्स्ट और सेकंड डे मैंने मर्ज किया है। अभी मैं आपको दिख रही रहूँगी, हम अपना घर छोड़ के एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे, कार में हैं हम अभी। इसके बाद हम आ चुके हैं एयरपोर्ट पे। आप क्राउड देख सकते हो, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, वेटिंग था काफ़ी टाइम का। हम जा रहे थे थाईलैंड, फुकेट का आपको दिख सकता है, बोर्डिंग स्टार्ट हो गया था हमारा। ये है मेरा बोर्डिंग पास और पासपोर्ट। इसके बाद फ्लाइट में बैठ चुके थे हम लोग। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं फॉरेन घूमने के लिए, बहुत मज़ा आता है। और हमारी फ्लाइट लैंड हुई थी कुछ 3-4 घंटे बाद। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद हमें हमारा ड्राइवर मिला। ऑलरेडी सारी भी बुकिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये है वैन जिसमें हम अकेले जाने वाले हैं, इतने बड़े वैन में। मोस्टली फॉरेन में ऐसे ही होते हैं। ये मेरा थर्ड ट्रिप है फॉरेन का। इसके बाद हम आ चुके हैं हम होटल में अपने, जिधर से व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था, माउंटेन व्यू। और काफ़ी अलग था और काफ़ी बड़ा है ये होटल भी, कम से कम 5 फ्लोर्स है इस पर और बहुत ज़्यादा बड़ा है। बहुत अच्छा लग रहा था। 2 स्विमिंग पूल है, एक रूफ टॉप पे, एक ग्राउंड फ्लोर पे। हमारा रूम भी ग्राउंड फ्लोर पे है। और हम अभी आ चुके हैं, थोड़ा हमारे रूम में थोड़ा रूम टूर भी कर लेते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है गाइस, मैंडेटरी है। इधर सब देख रहे हैं क्या है क्या नहीं। इट्स ऑल ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर बालकनी में जकूजी भी दिया हुआ है, देखेंगे हम ट्राई करेंगे जकूजी को। और इधर का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, हमें लगा था इधर बहुत गर्मी होगी, जैसे हमने दूसरे ब्लॉग्स या तो रिसर्च किया था। कार्स भी अच्छे थे। उसके बाद हम आ गए थे कुछ ग्रोसरी लेने, कुछ भी वेज मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। पैकेट वाले तो ज़्यादा करके नॉन वेज ही थे, नूडल्स तक उधर वेज नहीं थे, कप नूडल्स। आपको चिकन फिश सब मिलेगा। ये हम अभी आ चुके हैं थोड़ा रिलैक्स करने स्विमिंग पूल में, जो कि रूफ टॉप पे था। व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा। कैमरे में इतना अच्छा दिखता नहीं है, पर सामने से देखो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मीन्स बता नहीं सकते, बहुत अच्छा व्यू है। थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग रहा है वियतनाम से अभी तक तो। और फिर मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, मेरा पेट ख़राब हो चुका है गाइस। मैंने मेडिकल से दवाई लाई जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। मैंने कम से कम 4-5 गोली खा ली है, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी। उसके बाद रेडी होके हम चले गए क्लबिंग। मीन्स एक, इसको क्लब नहीं बोल सकते बिकॉज ये ऑन स्ट्रीट रहता है, ये स्ट्रीट पे पूरा ऐसा रहता है, तो आप देख ही सकते हैं। ऐसा लग रहा है अब कि हम आ चुके हैं थाईलैंड। अभी हम थाईलैंड कराबी में है, जो एरिया में रहते हैं उसको आउनंग बोलते हैं शायद। इधर का कुछ ज़्यादा ही अलग वाइब था। हमने थोड़ा सा देखा, फिर हम लोग दूसरे बार में चले गए थे। मैं बाद में वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली इतना सब तो समझता ही होगा आप लोग को, तो आप देख सकते हैं। ये पूरा ऐसा स्ट्रीट रहता है खाने पीने का, आपको जो खाना है आप ड्रिंक्स एंड ऑल कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद हम लोग सेकंड बार में आ गए थे, ये थोड़ा बेटर था, ये थोड़ा क्लबिंग टाइप लग रहा था। और इधर मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, मुझे कुछ मेरी तो नहीं, मतलब कोई अननोन फ्रेंड्स मिल गए थे, 4-5 लड़कियों का ग्रुप था, वो लोग नाच रहे थे,
पागल की तरह। तो मैंने भी उन लोग को बाद में ज्वाइन कर लिया था बिकॉज़ मेरे को डांस करना बहुत पसंद है। आप लास्ट के थोड़े से क्लिप में देख सक पाओगे, इधर मैं डांस करते हुए वो लोग के साथ। और इधर ही आज का व्लॉग हमारा एंड करते हैं गाइस। आई होप आप लोग को मेरा फर्स्ट व्लॉग थाईलैंड का अच्छा लगा हो। प्लीज़